हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गई हूँ एक ऐसे प्लांट को लेकर जो किचन में यूज आता है और हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट प्लांट है जिसे हम यूज करके हमारे स्किन, हेयर और हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा प्लांट है, उसे कैसे लगाते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। स्टे ट्यून इन माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, जैसे हम खाना पकाते हैं, खाने के अंदर प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया के पत्ते, इन सब चीजों से खाने का जायका आता है। तो इसी तरह लहसुन भी हम यूज करते हैं खाने में जायका लाने के लिए। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ लहसुन का पौधा। ये देखिए, ये बहुत ही इजी प्लांट है। आप इसे घर में, अपने गार्डन में, कहीं भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, इसे गार्लिक प्लांट कहते हैं। इसमें ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट रहने से आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी ये अच्छा करता है। इसे खाने से आपको अगर अस्थमा प्रॉब्लम है या फिर कोई डाइजेशन इश्यूज है तो वो भी ठीक कर देता है। और इसका सेवन करने से आपकी स्किन की टेक्सचर भी ठीक हो जाती है। आप कोई भी सीजन में इसके पत्ते का सेवन कर सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश का सीजन हो, सारे सीजन में इसके पत्ते को आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप सब्जियों में धनिया का पत्ते कैसे यूज करते हैं, उसी तरह इसे लहसुन के पत्ते को भी यूज करते हैं। ये एक वेल ड्रेन सॉइल पसंद करता है, लेकिन हमेशा इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी जरूरी रहती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे उगाते हैं। ये आपके होम गार्डन में बहुत इजी से ग्रो हो जाता है और अभी ये बराबर का सीजन है इसे ग्रो करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ लहसुन की इस तरह से कुलिया ली हुई है, हालांकि ये बहुत ही छोटी है। अगर आपके घर में छोटी है या बड़ी है, कोई भी हो, आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से 4-5 इस तरह से फूलिया ली है। अब मैं इसे डालने के लिए कोई ज़्यादा खड्डा करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस थोड़ा सा जो सॉइल का अपर पार्ट पोर्शन रहता है, इतना सा गड्ढा कर लिए तो भी काफ़ी है। अब अगर आप लगा रहे हैं तो जो ये लहसुन का ऊपरी भाग है, यहाँ से रूट ग्रो होती है और यहाँ से इसके पत्ते ग्रो होते हैं। तो आप जब भी लगाओ इस तरह से लगाइए। देखिए, यहाँ से तो रूट्स ग्रो होती है और यहाँ पर पत्ते, तो आप इस तरह से दूर दूर तक इसे लगा लीजिए। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी थोड़ी 1/2 इंच की दूरी पर इसे लगाइए, ताकि जब भी ये ग्रो करेगा तो पत्ते इजीली ग्रो हो सके। मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का ही रेक्टेंगल वाला पॉट लिया है। अगर आप चाहे तो ग्रो बैग में भी उगा सकते हो। ग्रो बैग में वेजिटेबल्स उगाने के लिए तो और भी बेस्ट रहता है, क्योंकि उनकी रूट्स फ्रीली ग्रो होती है। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल का पॉट ही लिया हुआ है। तो बस ऐसे लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी देते रहिए हर रोज। अगर बारिश का सीजन है तो पानी की भी जरूरत नहीं रहती है। थोड़े दिन में के बाद आपको इस तरह से छोटे छोटे से कलियां नजर आने लग जाएगी। तो बस और क्या, इसी तरह से इनके पत्ते ग्रो होने लग जाएंगे। अगर आप इसको सब्जी में डालना चाहते तो अभी ये राइट टाइम है हार्वेस्ट करने के लिए। अगर आप इस पत्तों को इसी प्लांट में छोड़ देंगे तो थोड़े दिन के बाद इस तरह से ये सूख जाएंगे, वो खाने लायक नहीं रहेंगे। और अगर आप नहीं चाहते कि इनको यूज़ करें तो कोई बात नहीं, इनको पूरी तरह से सूखने दें और नीचे पूरा का पूरा लहसुन उगना चालू हो जाएगा। लेकिन इनका भी सब्जियों में जायका बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स। तो समय समय पर आप यहाँ से इन पत्तियों को कट कर ले। कट करके आप जैसे धनिया को सब्जियों में, धनिया को ऊपर से डालते हैं, तो इनको भी आप ऊपर से डाल के खा सकते हो। वरना सिर्फ इसकी भी सब्जी बनती है, जैसे कि प्याज के पत्ते की सब्जी बनती है, उसी तरह इसकी भी सब्जी बनती है। ठीक है,
तो अभी देखिए इसके वेल ड्रेन होल्स बराबर रहने चाहिए, यानी कि अगर अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, अगर इसमें ढेर सारा पानी भर जाएगा तो भी जड़ें एकदम खराब हो जाएगी, मतलब सड़ जाएगी। तो वेल ड्रेन होल्स रहना बहुत जरूरी है। इसी प्लांट के लिए हर कोई भी पॉट हो, वेल ड्रेन सॉइल रहना चाहिए और होल्स भी बराबर रहना चाहिए, तभी तो देखिए कितने हरे भरे लहसुन के पत्ते ग्रो हो रहे हैं। बस अगर आप इसका टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से छाट ले, अच्छी तरह से धोकर आप इसकी भी सब्जी बना सकते हो। ये आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को एकदम बराबर बैलेंस करता है। अगर आपको कहीं भी डाइजेशन इशू है तो भी इसकी सब्जी बनाकर आप खा सकते हो। सर्दी जुकाम या फिर कुछ भी हो तो इन पत्तों का सेवन करने से बहुत ही अच्छा रहता है। और कॉफ, कभी खांसी है, गला खराब है, तब भी इसकी सब्जी खाने से बहुत ही रिलीफ मिलता है। तो देखा फ्रेंड्स, किचन में आपके होम गार्डन में भी किचन की यूज आने वाली सब्जियां कितनी अच्छी तरह से आप ग्रो कर सकते हो, है ना, बहुत ही फायदेमंद। तो थैंक यू एंड स्टे ट्यून। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज कमेंट करके बोलिए, या फिर अगर मैं कुछ गलत भी कह रही हूँ या फिर मेरे सजेशन आपको अच्छे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज एक मैसेज ड्रॉप कर देना। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर माई चैनल आई बी गार्डन। बाय फ्रेंड्स।